Hi, my dear learners. Welcome to the second part of Nelson Mandela's speech on my channel, Vridhi Doshi. Now, in the last class, हमने ये पढ़ा कि Nelson Mandela जो थे, उन्होंने अपनी oath ली for the presidency. वो जीत गए थे presidentship की. So now he is taking the oath. So उनकी जो speech थी, जब वो oath लेने जा रहे थे, ये हम पढ़ेंगे. ये बहुत ज़्यादा important है. Now उन्होंने अपनी speech में ये बताया. Just a second, हाँ. सो नेल्सन मंडेला ने उनकी जो स्पीच थी उनमें ये दिखाया कि उनमें ये बताया कि यहाँ पे जो भी उन्होंने ये लोगों को एड्रेस किया. पहली बात तो ये एड्रेस किसको किया, होम वॉज द स्पीच एड्रेस टू. तो ये जो स्पीच थी ये एड्रेस थी टू ऑल द ब्लैक्स एंड जो भी सामने स्पेक्टेटर्स बैठे थे, जो भी सामने ऑडियंस बैठी थी, ये उन लोगों को एड्रेस की गई थी, ये उन लोगों को बताई दी गई थी. सो ये जो उनकी स्पीच थी वो बोलते हैं कि यहाँ पे आप सभी लोग जो प्रेजेंट हो, यहाँ पे जो सभी प्रेजेंट हो, आप लोग हमें यहाँ पे विक्ट्री की बधाइयाँ देने के लिए आए हो. आप यहाँ पे हमें विक्ट्री का कॉन्ग्रेचुलेशन देने आए हो और यहाँ पे हम सभी जो है ये होप कर रहे हैं कि अभी से लेके फ्यूचर में, अभी तक तो हमें अपार्थाइड सिस्टम आया, बट फ्रॉम नाउ टिल द फ्यूचर, मतलब अभी से जब से मैं प्रेसिडेंटशिप ले रहा हूँ तब से लेके फ्यूचर में कभी भी जो इनइक्वालिटी है वो कभी नहीं होगी. मतलब अभी से लेके वी आर होपिंग के अभी से लेके फ्यूचर में हमेशा तक ये जो लिबर्टी हमने अचीव की है, ये जो फ्रीडम हमने अचीव किया है, ये सदैव रहे, ये हमेशा के लिए रहे. राइट नाउ अभी के लिए इट इज़ न्यू बॉर्न क्योंकि ये हमने जस्ट अचीव किया है, ये हमने अभी जस्ट अचीव किया है, बट फ्यूचर में यही विक्ट्री कंटिन्यू रहनी चाहिए. फिर वो थोड़ा पास्ट में जाते और बोलते हैं कि अपार्थाइड जो सिस्टम थी वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था. मतलब यहाँ पे ह्यूमंस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये जो था ये पूरे हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कुछ भी और ख़राब नहीं हो सकता है. ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, ये बहुत ही ज़्यादा, इट वॉज अ डिज़ास्टर, इससे ख़राब और कुछ नहीं हो सकता है. और ये जो डिज़ास्टर था ये शायद से बहुत ज़्यादा सालों के लिए चलते रहा. इट लास्टेड फॉर वेरी लॉन्ग. और अभी ह्यूमैनिटी जो है, लोग जो है, वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड है कि फाइनली ये अपार्थाइड का सिस्टम एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है. फिर वो अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग जो थे, ब्लैक्स जो थे, वो आउटलॉज माने जाते थे, हम फॉरेनर्स माने जाते थे पहले, बट अभी हम ब्लैक है, हम ही है ऐसे, दे हैव द रेड प्रिविलेज. यहाँ पे ये जो ब्लैक्स हैं उनके बारे में बात करें कि हम जो ब्लैक्स हैं हमारे पास ये रेयर प्रिविलेज है. रेयर मतलब बहुत ही ज़्यादा, इट्स नॉट वेरी कॉमन, जो बहुत ही ज़्यादा इजीली ना मिले, बहुत ही रेयर प्रिविलेज है, एक एडवांटेज है, बहुत ही ज़्यादा रेयर एडवांटेज है. दुनिया की सबसे, साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट करने का, ऑर्गेनाइज करने का. तो वो ये बताते हैं कि अभी तक तो ब्लैक्स का जो रूल था, वाइट्स का जो रूल था, उन्होंने हमेशा ब्लैक को सप्रेस किया, ठीक है. बट फ्रॉम नाउ अभी से लेके फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं होगा कि फ्रीडम जो है वो किसी को नहीं मिलेगी. फ्रीडम और इक्वालिटी प्रिवेल करेगी. अपार्थाइड जो था वो एक ह्यूमन डिजास्टर था जिसकी वजह से लोग जो थे वो बहुत परेशान हुए थे और ये बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चला था जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी बहुत ही ज़्यादा सैड थी एंड बहुत ही ज़्यादा पेन में थी. बट अभी ये ख़त्म हो गया है. नाउ दैट इट हैज़ कम टू एन एंड सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है एंड एवरीबडी इज़ प्राउड ऑफ इट. ब्लैक्स जो माने जाते थे आउटलॉज, ब्लैक्स जो फॉरेनर्स माने जाते थे, आज वो ही लोग साउथ अफ्रीका में जो फॉरेनर्स माने जाते हैं, आज वो ही लोग इतना बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो ये उन्होंने अपने स्पीच में इंट्रोडक्शन में बोला. फिर वो ये कंटिन्यू करते हैं कि ये जो हमारी विक्ट्री है ये एक कॉमन विक्ट्री है, ये जो विक्ट्री है ये स्पेशल विक्ट्री है और ये कॉमन विक्ट्री है कि आज जस्टिस ने विन किया है, आज पीस ने विन किया है और आज ह्यूमन डिग्निटी ने, सेल्फ रिस्पेक्ट ने विन किया है, आज हमने ह्यूमैनिटी ने विन किया हुआ है.
फिर वो बताते हैं कि पॉलिटिकल इमेंसिपेशन जो है वो हमारे ब्लैक्स ने अचीव किया है. नाउ पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब है कि आज हमने फाइनली फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन अटेन किया है. हम अभी बिल्कुल भी वाइट्स के अंडर नहीं है. वी हैव रिसीव्ड फ्रीडम. हम बिल्कुल भी ऑप्रेस नहीं है. हम बिल्कुल भी सप्रेस नहीं है. तो ये उसके सिनोनिम्स हो गए. हम बिल्कुल भी ऑप्रेस नहीं है. हम बिल्कुल भी सप्रेस नहीं है. So this is the emancipation that we have received after many years of oppression. So आज नेल्सन मंडेला ने जो प्लेज ली थी, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि वो सभी ब्लैक्स को फ्रीडम दिलाएंगे, सभी ब्लैक्स को जो पॉवर्टी से जो उनका बंधन है, पॉवर्टी से जो उनका बॉन्डेज है, जो सफरिंग है, जो डिप्रिवेशन है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और ये जो भी सोसाइटल ईविल्स है, ये जो भी सोसाइटी के ईविल्स है, नेल्सन मंडेला और उनके लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा कभी भी फ्यूचर में होने नहीं देंगे. और आज वो प्रॉमिस करते हैं कि जो भी ब्लैक्स होंगे, जो भी साउथ अफ्रीका में जितने भी ब्लैक्स हैं, वो सभी फ्री होंगे. कोई भी किसी के अंडर नहीं होगा. कोई भी अपार्थाइड सिस्टम या इनइक्वालिटी बिल्कुल प्रिवेल नहीं की जाएगी. फिर हमारे नेल्सन मंडेला एनकरेज करते हैं वहाँ के ऑडियंस को, वहाँ के लोगों को, और उनको ये रीअश्योर करते हैं कि साउथ अफ्रीका में जितना खराब सिचुएशन था, जितना ज़्यादा ऑपरेशन था, वो फ्यूचर में कभी नहीं दिया जाएगा. और ये उनको रीअश्योरेंस देते हैं. फिर वो ये बताते हैं कि द सन शल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. इसका मतलब ये है कि नेल्सन मंडेला प्रॉमिस करते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑन ये जो हमें न्यू ह्यूमन अचीवमेंट है, ये जो हमें नई फ्रीडम मिली गई है, ये जो न्यू फ्रीडम है, यहाँ पे सन कभी सेट नहीं होगा. दैट मीन्स इट इज़ अ मेटाफोरिकल मीनिंग कि यहाँ पे ये जो फ्रीडम है वो कभी ख़त्म नहीं होगी. फ्रीडम विल नेवर एंड. दैट मीन्स कि फ्रीडम जो है वो हमेशा लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे. देयर विल फर्दर बी नो ऑपरेशन, नो इनइक्वालिटी. और फिर वो एक प्रे करते हैं कि आई होप दैट गॉड ब्लेसेस अफ्रीका, लेट फ्रीडम रूल. तो वो ये एक डिक्लेरेशन देते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑन अफ्रीका जो है वो रूल करने वाली है. लेट अफ्रीका रूल. सो दिस वॉज नेल्सन मंडेला स्पीच अलॉन्ग विथ ऑल द कीवर्ड्स. We will then move on to the next part in the next video. So don't forget to like, share and subscribe for many more such videos. Thank you for watching.